हेलो एवरीवन, आई एम रेखा गर्ग एंड आई वेलकम्स यू टू गर्ग क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कंपेटिटिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है नॉर्मली एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास जो बुक है वो है अरिहंत का सैंपल पेपर ले रही हूँ मैं, इसकी पिकअप स्टार्ट। क्वेश्चन है, इसमें ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। फॉलो बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में है क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, वर्कर्स कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बिल्स पेबल, कैपिटल्स गिवन है 2 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। एसेट साइड में कैश, डेटर्स, बिल्डिंग मशीन, स्टॉक, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट में है, सी कम्स फॉर 1/6 शेयर, सी आता है बिजनेस में 1/6 शेयर के लिए, फॉर विच ही ब्रॉट्स कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड गुडविल टू प्रोपोर्शनेट ऑफ हिज शेयर। गुडविल वो लेके आ रहा है अपने शेयर की, जितना भी उसका प्रोपोर्शनेट बनता है। एंड लाइक नेक्स्ट लाइन इसमें, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,20,000। टोटल फर्म की गुडविल है ₹1,20,000। तो ये ध्यान रखना है, ये जो गुडविल गिवन है वो टोटल फर्म की है और सी उसमें अपना शेयर लेके आ रहा है, तो सी का शेयर कितना है 1/6। तो सी कितना लेके आएगा 1,20,000 रुपीज का 1/6, ये होगा 20,000 रुपीज। नेक्स्ट इज हाफ द प्रीमियम इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, आधी अमाउंट गुडविल की ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इन्हीं की एंट्रीज कर लेते हैं। एक बार देखो, सी आता है 1/6 शेयर के लिए, जिसके लिए कैपिटल लेके आता है 1 लाख रुपीज। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, 1 लाख रुपीज फॉर कैपिटल एंड 20,000 रुपीज फॉर गुडविल एंड हाफ द प्रीमियम इज। उसके बाद जो गुडविल आती है, जो गुडविल आएगी वो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना और हाफ अमाउंट वो विड्रॉ कर लेंगे। तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें डी पॉइंट है, ₹20,000 अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर ब्रॉट इन टू बुक्स, बुक्स पे ₹20,000 का अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है, मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो जाती है। मेक ₹5,000 प्रोविजन फॉर अनफोर्सिन लाइबिलिटीज, बीपी पेड ऑफ, बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, द डिफरेंस इज एडजस्टेड इन कैश। प्रिपेयर करना है रिवेल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है दो स्टूडेंट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है पहले आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद एक बात ध्यान रखना है, सभी अकाउंट्स को इकट्ठा प्रिपेयर करना है, मींस रिवेल्युएशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। आप अलग अलग बनाते हो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको बार बार रीड करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट इसमें अपने को करना क्या है, देखो सी आता है 1/6 शेयर के लिए, कैपिटल ले आया, गुडविल ले आया, गुडविल की अमाउंट टोटल है 1,20,000, 1/6 शेयर वो लेके आएगा तो 20,000 वो लेके आएगा, जिसमें से हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर्स, वो क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट जो डी पॉइंट है इसका, ₹20,000 अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर ब्रॉट इनटू बुक्स, ₹20,000 का अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है, तो इसकी एंट्री कहां पर होगी, एक तो रिवेल्युएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय टाइपराइटर 20,000, और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट होती है तो वो एसेट साइड पर भी जाती है, तो एसेट साइड पर भी आ जाएगा टाइपराइटर 20,000 रुपीज। उसके बाद है रुपी, मेक 5,000 रुपीज प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटीज, 5,000 रुपीज का अनफोर्सीन लाइबिलिटीज के लिए प्रोविजन बनाना है, तो 5,000 रुपीज का प्रोविजन बनाना है, तो ये अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी फॉर प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी।
इसकी अमाउंट है 5,000 रुपीज यहाँ पर, और साथ में लायबिलिटी साइड पर लिख देंगे प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी 5,000। इसके बाद है बीपी पेड ऑफ, बिल्स पेबल को पे ऑफ कर दिया, बिल्स पेबल को पे ऑफ करने की एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, हम एंट्रीज बैंक से कर लेते हैं, सारा इकट्ठा फिर बैंक में चला जाएगा। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो बीपी अकाउंट डेबिट, एक तो बीपी डिक्रीज हो गई, जो भी अमाउंट अपने बैलेंस शीट में बीपी की है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि सारे बीपी को हमने पे कर दिया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, टू बैंक, अपने पास से पैसे चले गए तो बैंक अकाउंट में से ये अमाउंट लेस हो जाएगी। बिल्डिंग वाज ओवर फाउंड ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 40,000, बिल्डिंग की वैल्यू ओवर वैल्यू की हुई थी, ठीक है, मतलब ज्यादा लिखी हुई थी, सॉरी बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 40,000, तो बिल्डिंग जो थी वो अंडर वैल्यू की हुई है 40,000 रुपीज से, मतलब उसकी वैल्यू 40,000 रुपीज ज्यादा थी बट वो कम की हुई है, तो हमें क्या करना है 40,000 रुपीज उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो बाय बिल्डिंग 40,000 रुपीज और यहां पर आ जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग ऑलरेडी जो इसमें दी हुई है वो 2,00,000 रुपीज है, तो अब वैल्यू हो जाएगी बिल्डिंग की 2,40,000 रुपीज। उसके बाद है इसमें कैपिटल ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बात की बात है, मतलब जब अपना कैपिटल अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद हमें ये कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी होती है, मतलब एंड में जाके, ठीक है। तो अभी अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, इससे रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा है तो 60,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा, 60,000 रुपीज बैलेंस आ गया 55,000 विच विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, तो ये हो गया 27,500 and 27,500 इक्वल पार्टनर्स है ए और बी, तो इन दोनों में 55,000 को हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो और कैपिटल्स है इनकी 2,00,000 रुपीज है ए और 1,00,000 रुपीज है बी। इसके बाद सी कैपिटल लेके आया, तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपीज वो लेके आ रहा है कैपिटल। उसके बाद लेके आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो गुडविल डिवाइड हो जाएगी। और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता, बस दो पार्टनर है, तीसरा पार्टनर आया और उसकी रेशियो दी हुई है, तो ऑल रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, तो यहाँ पर जो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी वो इक्वल इक्वल हो जाएगी। 20,000 रुपीज वो गुडविल के लेकर आया, तो 10,000 ए को मिलेंगे, 10,000 बी को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने हाफ अमाउंट गुडविल की विड्रॉ की है, तो विड्रॉ की हुई गुडविल आ जाएगी डेबिट साइड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 विड्रॉ कर लिए। इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 27,500 ये डिवाइड हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चेक कर लेते हैं और क्या क्या है जो पार्टनर्स में डिवाइड होना है, क्रेडिटर्स है, उसके बाद जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व, वर्कर्स कंपनसेशन फंड,
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कभी भी डिवाइड नहीं करना है। काफी सारे क्वेश्चंस में होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जैसे वर्कर्स अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड, उनके फ्यूचर के लिए एक फंड बनाया हुआ है। मीन्स अगर कुछ भी मिस हैपनिंग उनके साथ हो जाए तो बाद में उनके लिए पैसे हों, मतलब मिस हैपनिंग वो उनका पर्सनल होता है, वो उनको देना ही पड़ेगा, मतलब फर्म उनको वो पे करेगी ही, तो वो फर्म की लायबिलिटी होती है, रिजर्व्स नहीं होते, कोई फंड मतलब फर्म का नहीं है जो डिवाइड होगा। तो प्रोविडेंट फंड को डिवाइड नहीं करना है। लायबिलिटी साइड में दो चीजें जो डिवाइड होंगी, एक तो जनरल रिजर्व और दूसरा वर्कर्स कंपनसेशन फंड। तो जनरल रिजर्व 60,000 रुपीज है, तो 30,000 A, 30,000 B एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। वर्कर्स कंपनसेशन फंड 40,000 रुपीज है, वर्कर्स कंपनसेशन फंड 40,000 का 20-20 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी नहीं है जो क्वेश्चन में दी हुई हो, तो कंप्लीट जितने भी अमाउंट है वो हमारी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद एसेट साइड पे डिवाइड करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो गुडविल दी हुई है, तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड अगर बुक्स के अंदर है तो हमें क्या करना है, पहले उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में टू गुडविल अकाउंट, गुडविल है इसमें 20,000, 10,000, 10,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 20,000 रुपीज। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो वो होगा लॉस, तो लॉस भी ए और बी में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे न्यू पार्टनर के आने से पहले। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके आने से पहले जो भी सिचुएशन थी। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि कैपिटल ए और बी की एडजस्ट करनी है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन कैपिटल ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। ए और बी की जो कैपिटल है वो सी के कैपिटल के ऊपर बेस्ड एडजस्ट करनी है। तो देखो सी की कैपिटल 1 लाख रुपीज है फॉर 1/6 शेयर, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी, टोटल कैपिटल फर्म की होगी इंटू 6/1 6 लाख रुपीज, एंड 6 लाख रुपीज विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हमें यहाँ पर न्यू रेशियो चाहिए, तो टोटल शेयर 1, सी का शेयर 1/6, रिमेनिंग शेयर हो गया 5/6, एंड 5/6 विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 1:1। तो ए शेयर इज 5/6 इंटू 1/2, 5/12, बी शेयर इज सेम 5/6 इंटू 1/2, 5/12, एंड सी शेयर इज 1/6 और 2/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5, 5 एंड 2, और 6 लाख रुपीज जो टोटल कैपिटल है वो डिवाइड हो जाएगी 5, 5 और 2 की रेशियो में। तो ए का शेयर कैपिटल में होगा 6 लाख इंटू 5/12, 2,50,000, बी शेयर सेम 2,50,000, सी का शेयर तो है 1 लाख रुपीज, तो कैपिटल जो नई फर्म की होंगी वो होंगी 2,50,000 A, 2,50,000 B एंड 1 लाख रुपीज सी। ठीक है, अब जो कैपिटल हमारी आई है उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, जो अभी तक हमारे पास सिचुएशन है मतलब जितने अब इनकी कैपिटल है उसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है कैपिटल को अभी तक की कितनी है। तो 2,00,000 + 10,000 + 30 + 20, 2,30,50,60, 2,87,500, यहां तक का टोटल है 2,87,500।
माइनस करेंगे उसमें से यहाँ पे 25,000 जो डेबिट साइड है, तो इसकी कैपिटल आ रही है अभी 262,500। ए की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 2,50,000 है इसकी कितनी अभी एग्जिस्टिंग? 2,62,500। ये ए की सिचुएशन है, इसको हटा देते हैं। ए की सिचुएशन है, कैपिटल है इसकी 265,500 और होनी चाहिए इसकी 2,50,000। इट मीन्स 12,500 रुपीज वो फॉर्म में से लेकर जाएगा। अब बी की सिचुएशन क्या है? बी के पास कितने अमाउंट है? 20, 30, 50 और 10, 60, 87,500 और 1 lakh। तो 187,500 क्रेडिट साइड माइनस करेंगे 25,000 डेबिट साइड, तो बी की कैपिटल जो अभी है वो है 162,500 और होने इससे कितनी चाहिए? 2,50,000। 250 होनी चाहिए और है इसकी 162,500। तो अब क्या होगा, जो बी है वो 87,500 रुपीज बिजनेस में और लेकर आएगा। ठीक है, सी अपने लेकर आ चुका है, मतलब 1 lakh रुपीज, क्योंकि उसी की कैपिटल के बेसिस पे हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसकी कैपिटल में अब कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो पर्सन कैपिटल लेके जाएगा, जैसे ए लेकर जाएगा तो ए के डेबिट पे आ जाएगा टू बैंक 12,500 एंड बी क्योंकि कैपिटल लेके आ रहा है तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक 87,500 रुपीज। ये एडजस्टमेंट है इसकी कैपिटल की। उसके बाद अब इनका टोटल कर लेना है, बैलेंस अपना उतना ही आएगा जितना कैपिटल गिवन है। यहां तक का टोटल था 287, वही बैलेंस यहां पर आ जाएगा 287,500। टू बैलेंस कैरी डाउन। अब आगे जो बैलेंस लेके जाना है 287,500 में से ये सब लेस हो जाएंगे 37,500, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 2,50,000। इन द सेम वे अब ये वाली साइड, इसमें आना था अपना 187,500, पहले यहां तक का टोटल था, उसके बाद इसमें ऐड हुआ 87,500, 2,75,000। टू सेवेंटी फाइव में से 25 लेस हो जाएगा तो रिमेनिंग अमाउंट आई 2,50,000। सी का टोटल 1 lakh रुपीज है, वो एज इट इज रहेगा 1 lakh एंड 1 lakh। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के लिए ओल्ड बैलेंस शीट ले लेते हैं, जो जो चेंजेस आए होंगे वो करने हैं। फर्स्ट आइटम लायबिलिटी साइड पे है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया है तो वो हम एज इट इज दिखा देंगे। क्रेडिटर्स 1 lakh रुपीज। उसके बाद वर्कर्स कंपनसेशन फंड हम डिवाइड कर चुके हैं, उसका कुछ नहीं करना। जनरल रिजर्व भी हम डिवाइड कर चुके हैं, उसका भी अब कुछ नहीं करना। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ना ये इंक्रीज हुआ है ना ही ये डिक्रीज हुआ है। उसके बाद बीपी बेस पेबल हमने पे ऑफ कर दिए थे तो अब इसको नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। इसके बाद आ जाएगा कैपिटल्स, कैपिटल्स ए बी एंड सी जो अब न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की थी 2,50,000 ए, 250 बी
एंड 1 लाख रुपीज सी, यही अपने बैलेंसेस थे 250, 250 और 1 लाख, तो 6 लाख रुपीज की टोटल हो गई फर्म की कैपिटल। एसेट साइड में सबसे बड़ा चेंज कैश के बैलेंस में, वैसे हमने अपनी एंट्रीज कैश में नहीं की हुई है, तो कैश का बैलेंस हम एज इट इज शो कर देंगे, बैंक बैलेंस में कर देंगे जो भी चेंज करना है। डेटर्स कोई इफेक्ट नहीं है, सेम आ जाएंगे, डेटर 60,000 रुपीज के हैं, बैलेंस शीट में वही आ जाएंगे। बिल्डिंग हो चुका है अपना, हमने शो किया हुआ है 2,40,000 रुपीज। मशीनरी कोई चेंज नहीं है, तो मशीन में भी सेम वैल्यू आ जाएगी, 1 लाख रुपीज क्वेश्चन में गिवन है, 1 लाख रुपीज आ जाएंगे। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज। पेटेंट्स नो चेंज, पेटेंट्स 20,000 रुपीज सेम आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये भी सेम, इन्वेस्टमेंट्स हो गई 50,000 रुपीज। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ कर चुके हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है, बस इसमें एक चीज रह गई है, वो है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस देखो कैसे निकालना है, जो भी अमाउंट ऐसी है जो जिसकी हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया है, या जो पैसे हमारे पास आए हैं क्योंकि एंट्रीज हमने सारी बैंक से की है, वो सब ऐड करने हैं, और जो एंट्रीज में बैंक क्रेडिट हुआ है वो उसमें से लेस करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या आया, सबसे पहले सी का, सी की कैपिटल आई 1 लाख रुपीज, सी इज कैपिटल। उसके बाद वो लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, 20,000 रुपीज वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया। ठीक है, दोनों अमाउंट साइड हो गई। उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया था, उसमें से 10,000 रुपीज विड्रॉ, वो हाफ अमाउंट विड्रॉ कर ली थी, तो हाफ अमाउंट 5,500, 10,000 इसमें से लेस हो गए थे, तो लेस किया जो गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर ली। इसके बाद क्या हुआ, बैंक का एक तो ये वाली अमाउंट देखो बी लेकर आया है 87,500 रुपीज, तो वो ऐड हो जाएंगे बी की कैपिटल की, बीज कैपिटल अकाउंट। एक वापिस लेके गया है टू बैंक 12,500 रुपीज, ये लेस हो जाएंगे। उसके बाद एक हमने बीपी की पेमेंट की है, तो बीपी की पेमेंट की, तो बीपी टू बैंक, और बीपी की अमाउंट थी यहां पर 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज भी लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के बैलेंस फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 1,20,000 पॉजिटिव प्लस 87,500 माइनस करेंगे 22,500 और 50,000, अमाउंट इसकी रिमेनिंग आ जाएगी 1,35,000। अब इसकी टोटलिंग करनी है, ये आ जाएगी अपनी 650, 750, 755। ये भी टोटल हो गया इसका 7,55,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम आप रिटायरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।